हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने जो क्लास 12th में अवकलन चैप्टर है उसमें प्रश्नावली 5.5 में 10 तक सवाल जो है इससे पहले की वीडियो में हल कर चुके हैं। तो आगे 11 नंबर जो सवाल है, आइए उसको मैंने लिख रखा है, इसको हल करते हैं, समझते हैं। तो 11 नंबर सवाल दिया गया है, एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर वन अपॉन एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स इंटू कॉस एक्स यह एक फलन है, दो फलनों का इसमें गुणनफल है, तो यहाँ यह एक फलन है, फलन के घात पर फलन दिया है, और यहां भी फलन और इसके घात पर एक फलन वन अपॉन एक्स दिया गया है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी फलन के घात पर एक फलन दे दे तो इसको अलग अलग कुछ मानेंगे हम लोग, फिर लॉग लेंगे और तब जाके आगे अवकलन करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं, हल करते हैं। तो देखिए यहां लिख लेंगे हम लोग, माना एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर एक्स, इसको मान लेंगे कि ये वाई वन है, तथा एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर वन अपॉन एक्स, इसको हम लोग मान लेंगे कि यह वाई टू है। इसके पश्चात इसको ऐसे सीधा करके लिख लिया जाए, वाई वन इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर एक्स, और इसको लिख लेंगे हम लोग वाई टू इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर वन अपॉन एक्स। अब इसके पश्चात दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे हम लोग तो ये बनेगा लॉग वाई वन इज इक्वल्स टू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर एक्स, और ये वाला बन जाएगा लॉग वाई टू इज इक्वल्स टू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर वन अपॉन एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक सूत्र जानते हैं लघुगणक में लॉग में, कि चूंकि लॉग ए टू दी पावर एन है तो इसको हम लोग लिखते हैं एन इंटू लॉग ए। तो इस सूत्र से जब हम लोग लिखेंगे इसको, तो देखिए इसमें ए की जगह एक्स इंटू कॉस एक्स है और एन के जगह एक्स है, तो इस सूत्र पे रख के इसको बनाइए, तो ये बन जाएगा लॉग वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स कॉस एक्स, ये बनेगा लॉग वाई टू इज इक्वल्स टू, इसको इस सूत्र पे जब रखेंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स ऐसे। अब इसके पश्चात ध्यान दीजिए क्या करेंगे, तो यहां देखिए यहां एक्स इंटू कॉस एक्स बना है, एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इस पूरे को हम लोग एक्स मानेंगे, तो फिर अवकलन करना है आगे हम लोगों को, तो लिख लिया जाए दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कीजिए अवकलन, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई वन इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स कॉस एक्स, इसका अवकलन करेंगे हम लोग, इसके पश्चात इस वाले का अवकलन करेंगे, यानी कि डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई टू इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स साइन एक्स। तो अवकलन किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहां लॉग वाई वन है और हम लोग अवकलज जानते हैं लॉग एक्स का, कि लॉग एक्स का अवकलज वन अपॉन एक्स होता है, तो यहां वाई वन को मन में एक्स कह लेंगे, और जब इसको एक्स कह लेंगे तो लॉग एक्स का अवकलज वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स, लेकिन एक्स की जगह लिखेंगे क्या वाई वन, क्योंकि हम लोगों ने
एक्स कहा किसको है तो वाई वन को, फिर डीडीएक्स निकालेंगे किसका, वाई वन का, तो डीडीएक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल्स टू, यहां समझिएगा, एक्स को पहला फलन कह लेंगे और लॉग एक्स कॉस एक्स को दूसरा फलन। तो यहां देखिए तो दो फलनों का गुणनफल है, तो इसको हम लोग जब सूत्र पे रखेंगे तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, मैंने आपको सूत्र बता रखा है कि इसके लिए सूत्र होता है पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। तो इस सूत्र में रखा जाए तो पहला फलन x इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग x cos x, तो पहला गुणे दूसरे फलन का अवकलन बन गया प्लस दूसरा फलन यानी कि log x cos x इंटू पहले फलन का अवकलन यानी कि डी डी एक्स ऑफ क्या x। इसी तरह से जैसे यहां हम लोगों ने log y1 का अवकलन किया, यहां log y2 का अवकलन करेंगे, y2 को मन में x कह लेंगे, तो log x का अवकलज 1 अपॉन x और 1 अपॉन x की जगह लिखेंगे y2, और जिसको x कहे हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे यानी ddx ऑफ y2 इज इक्वल्स टू, यहां देखिए 1 अपॉन x यह एक फलन है और log x sin x यह एक फलन दिया गया है, दो फलनों का गुणनफल है, तोड़ेंगे सूत्र पे तो 1 अपॉन x पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन यानी कि ddx ऑफ log x इंटू साइन x प्लस दूसरा फलन, दूसरा फलन यानी क्या log x साइन x इंटू पहले फलन का अवकलन यानी ddx ऑफ 1 अपॉन x। आगे इसको हल करते हैं, इसको आगे हल करना है तो मैं क्या कर रहा हूं, ये ऊपर का जो भाग है इसको मिटा ले रहे हैं और फिर आगे अवकलन करा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने इस वाले को x इंटू कॉस एक्स टू दी पावर एक्स को y1 कहा है हम लोगों ने, और x इंटू साइन एक्स टू दी पावर 1 अपॉन x को y2 कहा है हम लोगों ने। तो जो y1 का अवकलज मिलेगा यानी कि ddx ऑफ y1 जो मिलेगा और जो ddx ऑफ y2 जो मिलेगा दोनों को जोड़ लेंगे तो 11 नंबर प्रश्न में जो सवाल दिया गया है इसका अवकलन प्राप्त हो जाएगा। तो फिर इसको मैं मिटा के और आगे हल करा रहा हूँ, चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो जो y1 वाला भाग है इसको मैं पहले हल कर ले रहा हूँ, पश्चात जो है जो y2 वाला भाग है इसका अवकलज हम लोग निकालेंगे। तो इसको आगे पहले हल कर लिया जाए, तो 1 अपॉन y1 है, y1 को जब पक्षांतर करेंगे तो ddx ऑफ y1 इज इक्वल्स टू बनेगा y1 इंटू कोस्ट में एक से इंटू, और समझिएगा यहाँ log और यहाँ एक से इंटू cos x है, तो हम लोग log x का अवकलज जानते हैं कि 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ एक से इंटू cos x इसको हम लोग कह लेंगे मन में कि x है, और जब इसको मन में x कह लेंगे तो log x का अवकलज हो जाएगा 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या x इंटू cos x। क्यों लिख रहे हैं x की जगह x इंटू cos x, क्योंकि हम लोगों ने x इंटू cos x को मन में x कहा है, तो यहां लिख लिए 1 अपॉन x इंटू डी डी एक्स ऑफ, फिर से किसका अवकलन करके गुणा कराएंगे जिसको मन में x कहे हैं, तो हम लोगों ने मन में x कहा है x इंटू cos x को, तो इसका यहां अवकलन करके गुणा करा लेंगे प्लस log x cos x इंटू, और समझिएगा यहां x है तो यहां x का जब अवकलन करेंगे हम लोग x के सापेक्ष किस सूत्र से, ddx of x to the power n के सूत्र से, सूत्र होता है n into x to the power n minus 1, जब इस सूत्र पे रख के बनाएंगे तो x का अवकलज मिल जाएगा 1। आगे इसको हल किया जाए तो ddx of y1 is equals to, यहां समझिएगा यहां y1 बनेगा, ये पक्षांतर किए हैं y1 बनेगा y1 into, और समझिएगा यहां x से x एक बार में कट जाएगा, 1 upon cos x है तो इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे ही 1 upon cos x, और समझिएगा यहां दो फलनों के गुणनफल का अवकलन आ रहा है, तो सूत्र रखेंगे हम लोग पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन यानी कि ddx of cos x प्लस cos x यानी कि दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन यानी ddx of x प्लस, और यहां 1 का इनके साथ गुणा कराएंगे तो यही बन जाएगा log x cos x। आगे इसको हल किया जाए तो ddx of
वाई वन इज इक्वल टू, अब समझिएगा वाई वन हम लोगों ने किसको कहा है, तो देख लीजिए वाई वन हम लोगों ने कहा है एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर एक्स को, बाकी कोस्ट में वन अपॉन कॉस एक्स, समझिएगा यहां जब इसको हल करेंगे हम लोग तो एक्स इंटू और कॉस एक्स का अवकलज माइनस साइन एक्स, आप सूत्र लिख चुके हैं कि कॉस एक्स का अवकलज माइनस साइन एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स, और यहां ध्यान दीजिएगा एक्स है और एक्स का अवकलन करेंगे जब एक्स के सापेक्ष इस सूत्र पे रख के तो अवकलज बनेगा वन प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। आगे हल करते हैं इसको, तो ध्यान दीजिएगा डी डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर एक्स, कोस्ट में क्या है ध्यान दीजिएगा यहां वन अपॉन कॉस एक्स, तो एक काम करते हैं वन अपॉन कॉस एक्स का गुणा करा देते हैं इसके साथ, तो देखिए यहां अगर गुणा कराएंगे तो समझिएगा ये माइनस है इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं माइनस एक्स, और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सूत्र है टेन थीटा का, यहां बन जाएगा टेन एक्स, तो यहां बन गया ये वन अपॉन कॉस एक्स, इसके साथ जब गुणा करेगा तो कॉस एक्स से कॉस एक्स एक बार में कट जाएगा तो मिल जाएगा वन प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई वन इस तरह से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, अब इसी को जरा सही से सही करके लिख दिया जाए, से डी डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर एक्स, और बाकी ये जो कोस्ट में है तो मैं पहले इसको लिख दे रहा हूं या फिर इसी को लिख दीजिए माइनस एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, लॉग एक्स कॉस एक्स इसको लिख ली और प्लस वन। तो इस तरह से हम लोगों ने जो डी डी एक्स ऑफ वाई वन है यानी कि वाई वन का अवकलज इसको हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब y2 वाला जो भाग है इसी तरह से इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करने के लिए ये ddx of y1 जो निकाले हैं इसको छोड़ के बाकी इन सबको मिटा दे रहे हैं और फिर इस y2 वाले भाग का हम लोग अवकलन आगे हल करेंगे, तो इसको मैं मिटा के आगे हल करा रहा हूं। y2 वाले भाग को हल किया जाए तो ध्यान दीजिएगा इधर ये 1 upon y2 है, पक्षांतर करेंगे तो y2 इनके साथ गुणा करेगा, तो y2 इनके साथ गुणा करेगा तो बनेगा ddx of y2 is equals to y2 into, और बाकी जो चीजें हैं इन सबको कोस्ट में लिख लिया जाए तो 1 upon x समझिएगा into ddx of log x sin x है, तो समझिएगा हम लोग अवकलज जानते हैं log x का कि अवकलज होता है 1 upon x, लेकिन यहां log x ना देकर के लॉग और एक्स की जगह एक्स साइन एक्स दिया है, तो एक्स साइन एक्स को हम लोग मन में एक्स कह लेंगे, और जब इसको मन में एक्स कह लेंगे तो लॉग एक्स का अवकलज वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन और एक्स की जगह लिखेंगे क्या, तो एक्स की जगह लिखेंगे एक्स साइन एक्स, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एक्स साइन एक्स को मन में एक्स कहा है। इसके पश्चात जिसको मन में एक्स कहे हैं उसका डी डी एक्स निकाल के गुणा करा देंगे यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, ये वाला लिख लिए प्लस, अब इसको लिखा जाए तो लॉग एक्स साइन एक्स, समझिएगा यहां वन अपॉन एक्स आ रहा है और वन अपॉन एक्स, तो मैंने एक सूत्र आपको ऐसे भी बता रखा है कि डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स टू दी पावर अगर एन आ जाए तो सूत्र होता है माइनस एन अपॉन एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, तो जब इस सूत्र पे आप रखेंगे तो 1 अपॉन x का अवकलज मिल जाएगा माइनस 1, क्योंकि यहां n के जगह पे 1 है तो माइनस 1 अपॉन x की घात 1 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इसका अवकलज प्राप्त हो जाएगा। आगे इसको हल किया जाए तो ध्यान दीजिएगा डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल्स टू बनेगा y2 जो है किसको हम लोगों ने कहा है, तो देखिए सवाल में हम लोगों ने y2 x into sin x to the power 1 upon x को कहा है, तो y2 के जगह जो जिसको हम लोगों ने y2 कहा है
वाई टू की जगह वही चीज लिख ली है यहाँ पे। आगे हल करेंगे तो वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स क्या बनेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन साइन एक्स, ऐसे ही लिख रहा है अभी। आगे इसको बनाया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ एक से इंटू साइन एक्स आया है, दो फलनों का गुणनफल है, सूत्र पे रखेंगे पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन कोष्ठबन, इसको हम लोग हल कर लिए। प्लस अब इसको लिखा जाए तो लॉग एक्स साइन एक्स, और समझिएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, जब गुणा होगा तो प्लस माइनस, माइनस बन जाएगा तो यहां हो जाएगा माइनस और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे इसको बढ़ाया जाए तो डी डी एक्स ऑफ वाई टू इज इक्वल्स टू बनेगा एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर वन अपॉन एक्स इंटू कोस्ट में, समझिएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ये वन अपॉन साइन एक्स कोस्ट में एक से इंटू, और ये साइन एक्स का अवकलज हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स होता है, तो डी डी एक्स अब साइन एक्स की जगह लिख लिए कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, और एक्स का जब अवकलन करेंगे हम लोग एक्स टू दी पावर एन के सूत्र से तो अवकलज मिल जाएगा वन माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे इसको हल किया जाए तो ध्यान दीजिएगा डी डी एक्स ऑफ वाई टू इज इक्वल्स टू बनेगा एक से इंटू साइन एक्स टू दी पावर होल टू दी पावर वन अपॉन एक्स इंटू कोस्ट में, ध्यान से समझिएगा इनसे यानी कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन साइन एक्स से अंदर गुणा करा दे रहे हैं, तो जब अंदर गुणा कराएंगे तो समझिएगा इस एक्स से ये एक्स स्क्वायर का एक घात कम हो जाएगा यानी कि मिल जाएगा वन अपॉन एक्स, और यहाँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स सूत्र होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, तो यहां बनेगा कॉट एक्स, तो इसका इसके साथ गुणा हो गया प्लस इसका इसके साथ गुणा कराएंगे, तो यहां जब गुणा कराएंगे तो साइन एक्स से साइन एक्स एक बार में कट जाएगा और मिल जाएगा हम लोगों को वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिएगा यहां लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, मैंने केवल एक्स लिख दिया है, यहां एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। आगे बनाते हैं तो इसका वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन साइन एक्स का इन दोनों के साथ गुणा करा के लिख लिए माइनस, यहां समझिएगा इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स साइन एक्स, तो एक स्टेप और है, तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई वन जो मैंने लिखा है पहले से इसको मैं हटा के तो इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये डी डी एक्स ऑफ वाई वन जो हम लोगों ने पहले निकाल रखा है इसको फिर जोड़ना भी है ना, तो इसको मैं रहने दे रहा हूं और इसमें से कुछ स्टेप मिटा दे रहे हैं और तब डी डी एक्स ऑफ वाई टू आगे हल करा रहे हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई टू इसको आगे यहां बढ़ाया जाए तो डी डी एक्स ऑफ वाई टू इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, समझिएगा एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर वन अपॉन एक्स, और ये जो कोस्ट में है एक काम करते हैं इसको एलसीएम लेके हल कर लेते हैं, तो एलसीएम देखिए क्या बनेगा इन सब का एलसीएम एक्स एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब हल करेंगे तो समझिए एक्स से कटेगा एक्स बार में और एक्स का गुणा होगा कॉट एक्स के साथ, तो एक्स इंटू कॉट एक्स, समझिएगा एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे एक बार में कटेगा वन इंटू वन वन तो प्लस वन, इससे एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो एक बार में और एक का इन सब के साथ गुणा कराएंगे तो बनेगा माइनस माइनस, अब ये वन से गुणा होगा यही चीज मिलेगा तो बस लिख दे रहे हैं माइनस लॉग एक्स साइन एक्स। तो इस तरह से हम लोगों ने डी डी एक्स ऑफ वाई टू भी याद कर लिया है, अब डी डी एक्स ऑफ वाई वन और डी डी एक्स ऑफ वाई टू दोनों को जोड़ लेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई टू, इन दोनों को जब प्लस करेंगे हम लोग तो देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई वन मैंने निकाल रखा है एक्स इंटू कॉस एक्स होल टू दी पावर एक्स कोस्ट में,
माइनस एक्स टेन एक्स है तो मैं पहले इसको लिख ले रहा हूं, वन माइनस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉश एक्स। तो डीडीएक्स ऑफ वाई वन वाला भाग लिख लिए हैं, डीडीएक्स ऑफ वाई टू वाला भाग लिख लिया जाए तो प्लस एक्स इंटू साइन एक्स होल टू दी पावर वन अपॉन एक्स इंटू बड़े कोष्ट में क्या, तो इसको लिख लिया जाए वन प्लस एक्स कॉट एक्स, पहले मैंने वन को लिख लिया, वन प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, लॉग एक्स साइन एक्स पूरे के बटा में क्या है एक्स स्क्वायर, पूरे के बटा में है एक्स स्क्वायर, दोनों को डीडीएक्स ऑफ वाई वन और डीडीएक्स ऑफ वाई टू इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ लिया है, और जोड़ने से ये जो फलन प्राप्त हुआ है यही जो 11 नंबर सवाल है इसमें दिए गए फलनों के योगफल का अवकलज हो गया। तो इस वीडियो में जो हम लोगों ने 11 नंबर सवाल है इसको हल कर लिया है, अगर आगे सवाल मैं इस वीडियो में हल कराता हूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में ये जो मैंने प्रश्न जो सवाल 11 नंबर है इसको जो मैंने हल कराया है आप उसको तैयार कीजिए, और यदि ये सवाल समझ में आता है और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।